मिलते हैं 11,20,100 अपॉन 10। ओह वाओ, अपॉन 10। अपॉन 10 10। ये मैं इवैल्यूएट करना चाहूंगी, आपको कैलकुलेट करना चाहूंगा। दिस इज इम्पॉसिबल, इतने अच्छे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं किसी को? मतलब कभी सुना है आपने? इस शो पर तो सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे मिले होंगे। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में किसी को इतने ज्यादा मार्क्स नहीं मिले होंगे आउट ऑफ 10। दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दो दो रिकॉर्ड मैंने शो पे देखो बना ली है। हाँ, इसकी वैल्यू बनाया था ना एक रिकॉर्ड मैंने, मैं भूल गई, मेरी मेमोरी खराब है। मैंने कहा था आपको कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैं जी, यार बनाया तो आई एम डैम हैप्पी। ये मम्मी से सही कर गया अच्छा ऋषि दीदी, आप मुझे से बच्चों को कोई मैसेज दोगे? हाँ, मैं आपको और सारे बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपके ड्रीम होते हैं, जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा ड्रीम हो या बड़ा ड्रीम हो, चाहे वो छोटा ड्रीम हो कि आप यू नो क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, किसी स्पोर्ट्स की किसी यू नो इवेंट में फर्स्ट आना चाहते हो, चाहे वो कोई बड़ा ड्रीम हो कि आप पढ़े हो कि डॉक्टर बनना चाहते हो या एक्टर बनना चाहते हो या जो भी है, उसको एकदम शिद्दत से और एकदम मतलब अपने दिल से फॉलो करो। एंड कभी भी किसी मतलब किसी की नहीं सुनना है, अगर कोई आपको बोलेगा कि ये डिफिकल्ट होता है, ये ऐसा होता है, बस आपको अपने में विश्वास होना चाहिए। That's what I would like to tell the children. लेकिन हमको उतरना पड़ेगा उसके लिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। एंड ये तो मतलब बहुत ही सुपर्ब शो होस्ट है, और उन्होंने मुझे मेरे साथ बहुत सारे गेम्स खेले एंड मेरे साथ एक टेस्ट भी मेरा लिया और मेरे को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले। बताओ उनको, सबको बताओ कितने ज़्यादा मार्क्स मिले मेरे को। 11,20,100/10। ये मतलब क्या, जीरो या अपॉन 10? 10 मतलब 10 में से इतने ज्यादा मिले मुझे मार्क। मैंने उनके बारे में सवाल पूछे, जैसे इन्होंने मेरे बचपन के बारे में मुझसे पूछा कि आपके पापा आपको मारते थे, डांटते थे। इन्होंने कहा कि मेरे पापा के स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, मेरे पापा आर्मी में थे। तो जब भी मतलब खाना नहीं खाते थे तो इनको बोलते थे कि अपने रूम में जाओ, खाना मत खाओ। अगर हम मना कर देते थे तो ये नहीं, ये सब्जी नहीं खानी है, तो उनके पापा बोलते थे कि रूम में जाके बैठ जाओ, खाना नहीं खाओ। गाने को शूट करते हुए चार कदम तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, क्योंकि जिस जगह में हमने शूट किया था वो इतनी खूबसूरत थी और ये गाना ही मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो एक रोमांटिक गाना इतनी खूबसूरत जगह में शूट करने में तो मतलब यू नो इट्स लाइक अच्छा लगता है। एंड अभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है गाना, पिक्चराइजेशन अच्छी लग रही गाने की, एंड यू नो आपके दिमाग में रह जाता है, कैची है उसका जो ट्यून है उसका चार कदम का। सो आई एम हैप्पी।